वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल स्टे होम। तो आप अब देख सकते हो, ये वाली कुर्ती मैंने आपको अपनी पहली वाली वीडियो में दिखाई थी। इसके बारे में आप लोगों को बताए थे कि इसके अनबॉक्सिंग आप लोगों को दिखाई थी और इसके रिव्यूज बताए थे कि कैसा इसका फैब्रिक है, क्या इसका डिज़ाइन है। तो अब आप लोग देख सकते हो कि मैंने आज पहना हुआ है और इसका बहुत ही अच्छा सॉफ्ट फैब्रिक है। मैंने आफ्टर वॉश नहीं पहना है, ये लिया है अभी कल ही, ये मुझे रिसीव हुआ है और आज मैंने ये पहन लिया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है। मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि आपको कपड़ों को पहले वॉश करना होता है, भिगोना होता है, उसके बाद आप उसको पहन पाते हैं, बट ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसका फैब्रिक है और बहुत ही प्यारा इसका डिज़ाइन है। मुझे तो ये बहुत पसंद आया, मैं इसको रिटर्न बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ, ये मैं रखने वाली हूँ। और इसका डिज़ाइन जो आप देख सकते हो कि एकदम परफेक्ट ये मुझे फिट आया और बहुत ही अच्छा इसका डिज़ाइन है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको रखने वाली हूँ। चलिए आज मैं दिखा देती हूँ कि जो मेरा नेक्स्ट ऑर्डर था, जो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग अपने शॉर्ट्स में डाली हुई है, तो आप देख सकते हो वहाँ पर जाकर वो वाला शॉर्ट वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो जो ये वाली कुर्ती है, मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, इस वजह से मैंने बनाई है वीडियो। तो कुर्ता सेट मैंने ऑर्डर करा है, ये मीशो से ऑर्डर करा है, तो मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, इस वजह से ये वाला मैंने वीडियो बनाया। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है, तो बट ये मैं इसके बारे में आपको इसके रिव्यूज़ देना चाहती थी, तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ बनाई है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो कुर्ता है, ये मैंने कुर्ता सेट ऑर्डर करा है, आई मीन इसका बॉटम भी है इसके साथ, इसके साथ इसका दुपट्टा नहीं है। तो ये जो कुर्ता है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये वाला कुर्ता मुझे लगा है। ये मैंने रैंडमली ऐसे ही ले लिया था, आई मीन ऐसे ही परचेज कर लिया था, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा लो था और ये मुझे सेट में मिल रहा था, तो इस वजह से ये मैंने ले लिया था। डिज़ाइन मुझे नहीं लग रहा था कि डिज़ाइन इसका इतना अच्छा आएगा और इतना अच्छा इसका फैब्रिक आया था। मुझे थोड़ा सा डाउट था इसके लिए कि मे बी इसका क्रेप होगा या फिर वो जो लो वाला लो क्वालिटी का क्रेप है, मुझे लगा था कि वो वाला ये होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका बहुत ही अच्छा इसका फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ये है। मतलब आपको इस वाले वेदर में तो ये मस्ट ट्राई है कि आप ये वाला कुर्ता सेट ज़रूर ट्राई करो, ये वेदर में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये नी लेंथ का कुर्ता है, नी लेंथ से मेरा थोड़ा सा बिलो ये आ रहा है और इसके बॉर्डर पे यहाँ पर ये थोड़ा सा डिज़ाइन है, इससे अलग ये डिज़ाइन है इसके बॉर्डर पर, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसका डिज़ाइन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि क्या होता है कि कभी कभी आप जो लो प्राइस में आप जो कपड़े खरीदते हो, या तो उसका फैब्रिक ख़राब होता है या फिर उसके डिज़ाइन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, डिफेक्टिव वो पीस होता है। ज़्यादातर ऐसा होता है, सब में ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है क्योंकि काफ़ी बार, बट इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका कहीं से भी प्रिंट वाला जो दिक्कत होती है, कहीं से भी इसके कोई भी मिस्टेक नहीं है, कहीं से भी कोई भी डिफेक्टेड पार्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसको आप स्लीव्स के साथ पहनना चाहते हो तो इसमें स्लीव्स गिवन नहीं है, ये स्लीवलेस ही है। ऐसे इसके डिज़ाइन है, इसका नेक भी राउंड है और ब्रांड है इसकी बरखा फैब, और ये एम साइज में मैंने लिया था। जो ये वाली कुर्ती है ये मैंने एस साइज में ली है, और ये वाली जो कुर्ती है ये एम साइज में ली है। शायद इसका थोड़ा बहुत ये आफ्टर वॉश में ये श्रिंक होगा, मैं इसको वॉश करके ही पहनूंगी। वैसे तो मैं एक बार इसको विदाउट वॉश करके भी पहन सकती हूँ, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी स्टिफनेस नहीं है, बहुत अच्छा इसका फैब्रिक है। जो हाई ब्रांड्स में फैब्रिक आता है वही वाला इसका फैब्रिक है। आप ज़रूर इसको चेकआउट कर सकते हैं, चेकआउट करके आप इसको ले भी सकते हैं, और लेने के बाद आप डेफिनेटली इसको ट्राई ज़रूर करोगे, आप पहनोगे इसे। रिटर्न करने का इसमें कोई भी सवाल नहीं उठता कि मैं इसको रिटर्न करूँगी। तो ये कुर्ता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इसके साथ ये बॉटम आया है, ये पूरा व्हाइट कलर का है, प्लाजो है मेरे पास। जितने भी आपने प्लाजो देखे होंगे वो ज़्यादातर व्हाइट कलर के हैं। व्हाइट कलर का एक ही होना तो मुझे नहीं लगता कि एक होना चाहिए, लेकिन एक से ही काम नहीं चल सकता, क्योंकि व्हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है। और क्या होता है कि कभी कभी आपको नेक्स्ट डे भी कोई ऐसा सूट पहनना होता है कि आपको उसके साथ व्हाइट ही पेयर कर सकते हो, तो दो तीन तो एटलीस्ट आपके पास व्हाइट कलर के पैंट, प्लाजो या फिर लेगिंग्स होनी चाहिए। तो मेरे पास तीन हो चुके हैं ये प्लाजोज। तो इसका भी फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद ये आया, तो मैं इसको डेफिनेटली रखने वाली हूँ। तो ये वाली वीडियो
वीडियो में बस यही आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। मैं वेट नहीं कर सकती थी कि मैं बहुत ज़्यादा सारे कुर्ते पहले रिसीव हों उसके बाद मैं आप लोगों के साथ रिव्यू करूँ। ये वाला कुर्ता इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ट्राई करो, क्योंकि बिफोर ये अनअवेलेबल हो जाए, ये स्टॉक आउट हो जाए, तो उससे पहले आप लोग ये परचेज कर सकते हो, उसको ट्राई कर सकते हो। तो के लिए बस इतना ही, तो यहीं पर मेरी वीडियो आज एंड होती है। और भी मैं आप लोगों के साथ और भी रिव्यूज हॉल्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आगे जाके। और अगर आपको कोई भी वीडियो मेरी सजेशन देना है, आपको कोई भी वीडियो पे मेरी सजेशन देना है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप लोग सजेस्ट करोगे तो मैं थोड़ा सा और उस पर वर्कआउट करूंगी। कुछ चीज अगर ठीक नहीं है या ठीक है तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक नहीं है तो मैं उस चीज को और करेक्ट करूंगी। तो या बस इतना ही मुझे कहना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बिना प्लीज बिल्कुल मत जाइए। और मेरी और भी वीडियोस हैं, उनको चेकआउट जरूर करिए। और अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन है मेरी वीडियोस पे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताया करिए, ताकि मैं थोड़ा और इम्प्रूव हो जाऊं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताया करो, मुझे और मोटिवेशनल मिलेगी। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।